संस्कार को क्यों धिक्कारे। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप से दीप जलता ही रहेगा, सीखा है जो सबको सिखाए। स्वयं पढ़े औरों को पढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप जलाए क्यों धिक्कारे, दीप जलाए क्यों धिक्कारे, दीप जलाए दीप जलाए दीप जलाए। पिछले कुछ वर्षों का अनुभव बताता है कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में शुरू शुरू में तो 30 से 40 तक की संख्या में लोग आते हैं, पर धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगती है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जैसे निश्चित समय तक चलने वाले कार्यक्रम के लिए इतनी संख्या में लोगों का केंद्र में आना बंद कर देना इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इतने लोग केंद्रों में आना क्यों छोड़ देते हैं? क्या अनुदेशक अपने स्तर पर इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? इन्हीं कुछ प्रश्नों को जानने के लिए आइए आपको ले चलते हैं एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में। जी हाँ, यही वो केंद्र है जहाँ सिर्फ 3 महीने पहले इतनी संख्या में लोग आते थे कि अनुदेशक को मना करना पड़ता था, और आज इतने कम लोग। ये समस्या सिर्फ इस केंद्र की नहीं बल्कि एक आम समस्या है। आइए इस विषय पर अनुदेशक से ही कुछ बातें करें। नमस्ते। नमस्ते अनुदेशक जी, आपके केंद्र में इतने कम लोग आए हैं, इसकी वजह मालूम है आपको? अब देखिए, एक वजह हो तो बताई जाए, रोज कोई ना कोई नई वजह बताते हैं और नहीं आते। आपने कुछ किया है उन्हें यहाँ बुलाने के लिए? देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उनका हाथ पकड़ के तो नहीं ला सकते। ऐसा करते हैं, आप उनसे खुद चल के वहाँ बात कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अनुदेशकों को जब तक कारण मालूम नहीं होंगे, इस समस्या का हल वो कैसे ढूंढ सकते हैं? आइए आप कुछ पढ़ने वालों से बात की जाए। चलिए। हाँ चलिए। यह है राजा राम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। राजा राम जी, आपके गांव में तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलता है, आप भी वहां जरूर जाते होंगे? जी साहब, वो पहले जाता था मगर वो अब नहीं जाता साहब। वो हमें केंद्र पे जाने से पहले जो चीजें बताई गई थी वो वहां मिली नहीं साहब। आपको बताया क्या गया था और मिला क्या नहीं? साहब वहां बताया गया था कि हमको रोजगार में बढ़ोतरी होगी, बैंक से कर्जा मिल जाएगा, लेकिन साहब वहां अनुदेशक साहब सिर्फ UI कराते हैं, अब इससे क्या होएगा साहब हमारा? अधिकतर ऐसा ही होता है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू होने से पहले पढ़ने वालों को प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों द्वारा झूठे वादे दिए जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की जानकारी सही रूप से पढ़ने वालों को दी जानी चाहिए। आइए कुछ और केंद्रों की ओर चलें। पुष्पा जी, आज तो आपके केंद्र में बहुत कम लोग आए हैं, क्या रोज इतने लोग आते हैं? नहीं, ज्यादा आती थी औरतें, लेकिन कुछ लोग आज नहीं आ पाई, उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, अस्पताल दवा लेने चले गए,
और कुछ लोग आते थे तो एक महीने आई और आना ही बंद कर दिया, बिल्कुल ही आना बंद कर दिया। अच्छा, तो आपने उनके घर जाकर कभी पता लगाया कि वो लोग क्यों नहीं आते हैं? उनके घर जाके हमने पता किया, उनके घर वालों से कहा, दोनों ने कहा कि अब इतनी बड़ी हो गई, पढ़ के क्या करेंगी, अब इनके घर का ही काम बहुत है, इसलिए वो लोग आना बंद कर दिया। वो फिर हमसे कुछ उम्र में भी बड़ी पड़ती, इसलिए उनसे हम जोर भी ज्यादा नहीं दे सकते। इसके अलावा भी कुछ और बातें होंगी जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आती है? अब हमने तो कोशिश किया लेकिन हमारे समझ में तो नहीं आ सके, लेकिन आप उनसे जानकारी कर ले। फूलमती जी, फूलमती जी नमस्कार। वो ऐसा है कि आपसे पूछना था, आप तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाती थी, अब भी जाती होंगी? जी नहीं। पर क्यों? हम जब वहाँ गए तो उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको कॉपी देंगे, किताबें देंगे, पेंसिल देंगे। अच्छा। पर जब भी जाओ तो वो देते नहीं है। अच्छा, आप तो कॉपी किताब नहीं मिली इसीलिए केंद्र नहीं गई, पर आपकी जो सहेली बिंदु जी हैं वो भी इसीलिए केंद्र जाना बंद कर दी? बिंदु, उसकी तो शादी हो गई। अच्छा। वो अपने गाँव चली गई। अच्छा, अच्छा। केंद्रों में अनुपस्थिति के कुछ कारणों में से ये भी है, लेकिन जहां तक पढ़ने पढ़ाने की सामग्री का सवाल है, ये जवाबदेही हमारे क्षेत्र स्तरीय कर्मचारियों की है कि वो समय से केंद्र में पढ़ने पढ़ाने की सभी सामग्रियां उपलब्ध करा दें। अरे भाई भजनलाल, क्या बात है भाई, तुम तो ऐसे जा रहे हो जैसे पहचानते ही नहीं। अरे पहचानित का ही ना है सर, का कौनो बात होगी का? भजनलाल जी, दो बातें करनी थी आपसे। हाँ हाँ, आप पूछे साहब। वो पूछना था कि पहले आप प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाते थे ना? हाँ हाँ, जा तो रहन। तो अब भी जाते होंगे? ना साहब, अब तो हम ना जाते वहाँ। अब कहाँ बताए साहब, बातें कुछ ऐसा हो गई रही कि। हाँ वही वही बात हम पूछ रहे हैं, कोई कारण होगा आपका नहीं जाने का। अब साहब जब आप पूछ रहे हो तो हम साफ साफ आपसे बताए दे बात। जरूर बताइए। ये मास्टर साहब साहब बहुत खराब है। अच्छा। अब हमार देखो उम्र बाल पाक गए। हाँ हाँ। लेकिन भरी क्लास में हमार बेइज्जती की। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। चलिए अब लिखिए छोटा आ। ये क्या लिखा है जी? गलत है का? ऐसे ही लिखा जाता है? अरे 50 बार समझा चुका हूँ, इतनी उम्र आ गई लिखना नहीं आया। अरे किसी जानवर को भी समझाते तो वो सीख चुका होता अब तक। पता नहीं कैसे लोग हैं। बड़ा से आम। कैसा लगा इनका पढ़ाना आपको? इस उम्र में डांट खा के तो कोई सीखना नहीं चाहेगा, बच्चों की तरह इन्हें रटवाना, न तो इनकी उम्र और न अनुभव किसी से मेल नहीं खाता। क्या ये बात कुछ इस तरह नहीं बन सकती? अच्छा ये बताओ काहे का चित्र है? अरहर है ना? अरहर से काका बना थे दाल बनती है, छपाओ डाला जाता है। हाँ, तो अरहर का ई है आ। अरहर का आ। हाँ देखो हम लिखे हैं ना आ, छोटा आ, छोटा आ। तो जल्दी जल्दी लिख के दिखा जरा, छोटा आ, छोटा आ। लिखे हो मास्टर साहब? यू देखो चाचा, लिखा तो बहुत बढ़िया है। हाँ। लेकिन उल्टा लिखे हो। गलत है ये का? हाँ। इका ऐसे लिखा जात है। हाँ मास्टर साहब, लिखा तो हम हूँ ऐसे रहन, लेकिन ससुरा को उल्टा हो गवार है। एक बार मिटा के लिखो। आप ठीक है? हाँ आप ठीक है। हाँ सब जाने लिख। वयस्कों की उम्र तथा अनुभवों का सम्मान तो हर एक वयस्क शिक्षा कर्मी को करना ही होगा,
वरना हमारे पास ऐसा कोई बंधन नहीं है जिससे जबरदस्ती हम इनको केंद्र पर बांध रखें। पढ़ने पढ़ाने की बात हो या कोई और बात, मनोरंजक ढंग से ही इन्हें सिखा सकते हैं, अन्यथा इनमें जगी हुई इच्छा को खत्म होने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। ये है मंगरू। राम राम साहब। मंगरू जी। हाँ साहब। आपके बगल की बस्ती में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुला है, क्या आप वहाँ जाते हैं? अब साहब वहाँ ठाकुरन की बस्ती में वो केंद्र खुला है, वहाँ जाए हम लोग घबराइट भी है वैसे, और प्रधान जी जबरदस्ती नाम लिखा लीन रहे, हम लोग तो नहीं चाहते रहे वहाँ जाए खातिर। अब वो नाम लिख गए तो एक आध बार गए जरूर हम, लेकिन अब वहाँ वो ठाकुरन के यहाँ कोनो पढ़ावत है, अब वहाँ पढ़ेगा वो लोग पता नहीं कैसी कैसी नजर से हम लोगों का देखा थे, अब हम लोग तो वहाँ पढ़ा नहीं जा सके। साहब हमरे यहाँ खुलवा दो ना तो कौनो हमरे हुआ हमरे घरे कौनो आदमी पढ़ा दिन करी, हम सब लोग यहाँ पढ़ा जाब। केंद्र में लोगों की कम उपस्थिति का ये भी एक कारण है। ऐसा देखा गया है कि जिस समुदाय के लोगों के बीच हमें केंद्र खोलना है उस जगह केंद्र न चला के हम किसी दूसरी बस्ती में केंद्र खोल देते हैं, या जिस समुदाय के लोगों को हमें केंद्र में पढ़ाना है उनके बीच से अनुदेशक को न चुनकर हम दूसरे समुदाय के अनुदेशकों को उस केंद्र में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और यही वजह है कि प्रतिभागी उस केंद्र में आना नहीं चाहते। राम राम साहब। जय जय राम। राम 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 राम। और भैया ठीक हो? सब आप ही का कृपा है सरकार। भाई वो केंद्र तो वहाँ लग गया है और अभी भी तक काम कर रहे हैं, केंद्र में नहीं जाना क्या आपको? नहीं साहब, पहले जा ही रहा है हरिया और रामू के साथ में, लेकिन साहब अब टाइम नहीं मिला था, कहे से उसका टाइम बहुत खराब है साहब, अब खेती बाड़ी करे पड़ा था ना सरकार। अच्छा, अब कैसे वहाँ जाए बताओ। कभी ऐसा भी होता है कि सही समय का चुनाव न होने के कारण कई इच्छुक प्रतिभागी भी केंद्र पर नहीं आ पाते। इस समस्या के हल के लिए अनुदेशकों को प्रतिभागियों से मिलकर ऐसे समय का चुनाव करना चाहिए जिस समय किसी भी प्रतिभागी को आने में असुविधा न हो। आप कह रहे थे कि हरिया और रामू के साथ आप केंद्र जाते थे, जी सर। आज वो लोग केंद्र में चले गए या कहीं खेत में ही काम कर रहे हैं? नहीं साहब, अब केंद्र में ना मिली है वो सर, वो गांव छोड़कर चले गए साहब। अब साहब यहाँ कोई मजूरी अजूरी तो रही नहीं गई साहब, अब पेड़ तो चलाए गए तो वही लोग छोड़कर चले गए यहाँ से, हम तो साहब किसी तरह मजूरी करके अपन पेट पाल रहे साहब। हरिया और रामू की तरह कई लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं, ये भी एक वजह है केंद्र में कम उपस्थिति की। आइए पर्यवेक्षक से मिलकर पूछें क्या उनकी नजर में इस समस्या का कोई समाधान है। विजय जी, आपके केंद्रों में लोगों के न आने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ बहुत से लोग काम की तलाश में शहर की ओर चले जाते हैं, जब यहाँ पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो केंद्र पे आएगा ही कौन। अच्छा, आपने कुछ किया उन्हें रोकने के लिए? मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, उन्हें यदि यहीं काम मिल जाए तो उन्हें रोका जा सकता है। रोजगार दिलाने के लिए कई योजनाएं प्रखंड स्तर पर हैं। आवश्यकता है कि प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और विकास विभाग के कर्मचारियों के बीच समन्वय कैसे हो, तालमेल कैसे हो। मिलजुल कर कुछ योजनाएं यहाँ लागू की जा सकती हैं जिनसे रोजगार के कुछ न कुछ अवसर तो पैदा किए जा सकते हैं, पर यह काम कठिन प्रयास से ही संभव है। यह है धनी राम जी का मकान। अच्छा अच्छा। बाबा आबातन, इन्होंने तो अपना नाम भी लिखना सीख लिया था। जी हाँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साहब। धनी राम जी, आपने तो इतना कुछ सीख लिया फिर भी केंद्र में जाना बंद क्यों कर दिया? अरे साहब, केंद्र में जाके क्या करेंगे साहब, हम तो अपन नाम भी अब लिख लेते हैं, दस्तखत भी कर लेते हैं, अब वहां जाने से और क्या फायदा, वो आगे पढ़िए ना, आगे पढ़े से हमका कौन सा फायदा। देखो बाबा, कई फायदे ऐसे होते हैं जो तुरंत नजर नहीं आते,
वो तुम्हारे बाद में बहुत काम आएंगे, जैसे डाकखाने पैसे निकालते और जमा करते समय, या कोई चीज तुम्हें खरीदना या बेचना हो उस समय। और फिर तुम पढ़ लिख कर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, उनका भविष्य उज्जवल कर सकते हो और अपने बारे में सोच सकते हो। अच्छा बेटवा, हम सोचो। जो लोग केंद्र में आना बंद कर देते हैं उनके पास अनुदेशक को बार बार जाना चाहिए और उन्हें पढ़ाई लिखाई के फायदे फिर से समझाने चाहिए, ताकि फिर से वो केंद्र में आना शुरू करें। देखो आज 5 बजे कक्षा लगेगी, आना मत भूलना है। अच्छा नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। के आगे अगर ये आ की मात्रा लगा दी जाए तो ये हो जाएगा खाद। अरे अरे हमको भी पढ़ना है भैया। कैसे जियो कैसे जियो, आगे जगह पड़ी है उसी ध्यान। देर से आवत हो, बीच में फांदा चले जात हो। अरे बैठो बैठो बैठो। हाँ तो हम बता ही रहे हैं कि खाद लिखे के लिए पहले लिखो ख। अच्छा अच्छा। फिर उसके आगे लगाओ आ की मात्रा। देख लो। अरे और फिर हम आंखों को पढ़ाए कहा भैया। पढ़ाए तो कहे जो ऊपर बैठ के पढ़ियो। देखो जगह पर कटती है। जगह कहाँ पर है पहले आवा करो। देख लियो। नहीं तो तुम ना ना पढ़ो। हम देखो जगह पर ही देखो। तो जगह पर तुम्हारे पढ़ले हम जा रहे। जाओ। हाँ बात माई है। नहीं नहीं पढ़ लेंगे हम जा रहे। ऐसे माहौल में भला पढ़ने वालों का मन कैसे लगेगा? न बैठने की व्यवस्था न रोशनी का इंतजाम। अनुदेशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी केंद्र वो चुने वहाँ बैठने की व्यवस्था हो और रोशनी की व्यवस्था जरूर हो। आप लोग हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए। आपके गांव में बहुत सी योजनाएं शुरू हुई हैं। अच्छा। जिसमें आपको खाद और बीज मुफ्त में मिलेगा। हाँ। हमारी ग्राम सेवक जी से कल बात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने उसके लिए बताया है कि वो आपके बीच में कल उपस्थित होंगे। अच्छा। और आपको विशेष तौर पे बहुत सी उसकी जानकारियाँ देंगे। ये तो बहुत अच्छी। तो वो कल यहाँ आ रहे हैं, वो आप लोग के बीच में आएंगे तो आप लोग भी कल यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अच्छा। तो गुरु चाचा जरा कमल निकालो। अब तो तुम सीख गए हो चाचा। केंद्रों में पढ़ाई लिखाई के अलावा अनुदेशकों को इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए ताकि शिक्षकों का मन लगा रहे। हरे नाम गुण गाओ मोरे भाई हो, बीत जाए आपने देखा कि अगर हमारे अनुदेशक और पर्यवेक्षक थोड़ा सा ध्यान और दें तो इस समस्या का हल हमें मिल सकता है। इतनी संख्या में लोग केंद्रों में आना बंद नहीं करेंगे। हम कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो इस समस्या का बहुत हद तक समाधान हमारे हाथ में है। अनुदेशक पढ़ने वालों को स्वीकार हों। समय तथा स्थान पढ़ने वालों की सुविधा अनुसार हो। केंद्रों में बैठने तथा रोशनी की उचित व्यवस्था हो। पठन पाठन सामग्री रुचिकर हो तथा उन्हें समय से मिले। प्राणों को रोचक ढंग से पढ़ाएं।
पढ़ाई के अलावा और भी रुचिकर कार्यक्रम करें। पढ़ाई को कुछ आर्थिक लाभ के कामों से जोड़ें। पढ़ने वालों को पूरा सम्मान दें। जो लोग केंद्र छोड़कर चले जाएं, उन्हें फिर से समझा बुझाकर उनमें पढ़ने की रुचि जगाएं। प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों को उन्हें अच्छी तरह समझाना होगा। प्रौढ़ों की मानसिकता समझें। अंत में अनुदेशक केंद्र के लिए हो, न कि केंद्र अनुदेशक के लिए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाए।